और यहां के जो हमारे साथी उत्सव सूर्य हमारे अतारनाथ सोरावती जी, जनाब भद्र भाई साहब, जनाब मसफरी जी साहब, हमारे मजीद बशीर किशरू साहब, कई ऐसे नौजवान थे यहाँ जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के बाबा कौम के साथ उस तहरीक को इस इलाके के अंदर भी चलाया था। उन्होंने अपनी ये जवानी जो है जेलों के अंदर बताई। आज इनके बुजुर्गों ने इस तहरीक को, क्योंकि उस वक्त भी जब बाबा कौम ने यह फैसला लिया, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बात के आए, कश्मीर की हालत अच्छी, गांव की हालत अच्छी, बच्चियां बच्चे हमारे नौजवान जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, चीखने पहने हुए थे, दो टाइम रोटी के लिए मोटाए थे, क्या हानि थी उस वक्त। बाबा कौम ने कहा कि मुझे ये रास्ता अपनाना है, एक रेवोल्यूशन लाना है जम्मू कश्मीर के अंदर, ताकि हर इंसान को दो टन की रोटी मिल सके, कपड़ा मिल सके, रहने के लिए उनको निवास मिल सके, मकान मिल सके। ये आज करके उन्होंने ये तहरीक चलाई थी, और जो तहरीक उन्होंने अपनी जवानी के 5 साल जेलों में कहते इनके बुजुर्ग आपके थे उनके साथ, आज मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, आपके बुजुर्ग थे, आज उस तहरीक को हम चला रहे हैं, आप चला रहे हैं। इसलिए दोस्तों वक्त वही आया है कि जो वक्त उस वक्त था, आज भी हम उसी दोहरा पे खड़े हैं। पिछले 10 साल के अंदर इस जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है ये आप सबको पता है। जब 377 की बात बारी की आई, किस ढंग से 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के अंदर जिस ढंग से इस ताकत को, जो हमारी शनाखत थी, जो हमारी आम थी, जो हमारी शर्म थी, किस ढंग से उसको हटाया गया ये आप सब जानते हैं, मैं स्पीच नहीं करना चाहता। लेकिन आज वो लोग जो मुठेरिया मार के थे उस वक्त, आज रो रहे हैं जब देख करके उसका नौजवान बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, अन्य अन्य थी डॉक्टर ट्रेनिंग की हुई है, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग की हुई है, सड़कों की धूल चाट रहा है। डॉक्टर चिपकासी की नौकरी यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं पिछले दिन गांव में जा गया, वहां देखा तो एक बच्ची जा रही थी, उसने थाना डाला हुआ था, तो मैंने कहा ये जम्मू कश्मीर की जमारी डोगरी बच्ची नहीं है, जम्मू की नहीं है, ये कहां से आई है। तो मेरे साथ जो साथी था उसने कहा गुप्ता जी ये बच्ची जो है हरियाणा की है। मैंने उनसे पूछा कि हरियाणा की बच्ची जम्मू के गांव में क्या कर रही है। तो उसने कहा डॉक्टर साहब ये जातिया का काम कर रही है, ये फोर्थ लाइन का काम कर रही है, ये फोर्थ क्लास नौकरी है कारखाने के लगने में। क्या जम्मू कश्मीर के बच्चे आज इस काबिल नहीं मिल रहे ये फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट के लिए वहां भर्ती हो सके। ये आपके बच्चों पर हो रहा है, इस वक्त आपकी नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। बच्चा गया है कि खड़े हो जाइए। डॉक्टर मुझे फख्र है अपने साथियों पे, हमारे जो साथी यहां काम करते हैं इस मुश्किल में, इसका आपने नमूना उस इलाका याद, कहां चिली का ब्लॉक है, कहां सिंगल का ब्लॉक है, कहां काला का ब्लॉक है। कल आपने देखा हमारे साथी किस ढंग से ब्लॉक में भी उसी ढंग से सिर्फ फर्क कहां आया है। फर्क हो सकता है मुझ में हो, फर्क हो सकता है मेरे किसी प्रोजेक्ट में हो, फर्क हो सकता है मेरे निजी यहां सोलह बजे हो, हम उन लाके याद में नहीं जा पाए, शायद उनको ये हमसे नाराजगी हो। मेरी आज इस अजान से ये नुकसान हो गया, खड़े हो जाएंगे, वक्त आ गया। आज हम उस दुश्मन को उस ढंग से दबाते हैं, वो है वोट की पर्ची, जिसका हक हमने आपको दिलाया है, जैसे कांग्रेस ने आपको दिलाया, उस तहरीक ने आपको दिलाया है। शेख साहब हमेशा कहते थे कि ये वोट की पर्ची कागज नहीं है, ये वोट की पर्ची आपकी तकदीर है, आपका मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, आपकी नस्लों का मुस्तकबिल है। अगर आप इस वोट को जाया कर देंगे
अगर आप इस बोर्ड को उस खाते में ला देंगे जो जम्मू कश्मीर को पीछे ले जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं हम अपने आप से भी और अपनी नस्लों से भी धोखा देंगे। दोस्तों आप बहुत मजबूत हैं। डॉक्टर साहब पिछले दिनों यहां पे सर्वे कराया गया और बीजेपी के चेयरमैन ने किया सर्वे, उस सर्वे में यह कहा था उनको कि हालत देख के जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो अगर आज इलेक्शन हो जाए तो जम्मू कश्मीर की हुकूमत बागडोर उसके हाथ में होगी। डॉक्टर साहब 3 महीने उनके मुलाजमों ने उनके लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर का सर्वे किया और आखिर में उन्होंने कहा कि अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हुकूमत बनाई जा रही है और वो आपकी सरकार सीधे बनाई जा रही है। डॉक्टर साहब इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। मेरे दोस्तों ने आपके सामने जो मुसीबतें जम्मू कश्मीर के अंदर आई है पिछले 10 साल से वो आपका खाका उन्होंने आपके सामने रखा है।